साथ बाबूलाल राजभर जी भी हैं, जो कि इस हिस्सेदारी मोर्चा के प्रवक्ता हैं। बाबूलाल जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप राजभर हैं और एक राजभर और थे बीजेपी में, इससे पहले मंत्री भी थे। नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ जाऊंगा जो मेरी मांगे मानेगा। कुछ दिन तक चला कि शायद बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन एकाएक फिर वो सपा वाले हो लिए। तो ये जो राजभर हैं, इनका जो वोट बैंक है, बताया जाता है कि पूरब की कुछ सीटों पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप उस वोट बैंक को, आप उस जो उनका जो जो उन्होंने स्थापित की हैं चीज़ें अपने क्षेत्रों में, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या उन चीज़ों को पार्टी में बीजेपी के साथ लेकर आए हैं, उस वोट बैंक को लेकर आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से, मैं जो भी हमें देख रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात को, हम दर्शकों तक, हमारे शुभचिंतकों को तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के पास कहाँ राजभर समाज है। 2017 में, 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें सारे दलित पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं झूम करके भाजपा को वोट दिया। 2017 में सपा बसपा के नीतियों से, कुनीतियों से प्रभावित होकर के पूरे दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़ा समाज भाजपा को वोट दिया, प्रचंड बहुमत दिया। और उसके बाद से, हाँ, बीजेपी ने एक, हम तो उसको गलती कहेंगे, बीजेपी ने गलती किया कि राजभर समाज का चेहरा ओम प्रकाश राजभर को बनाया। यदि 2017 में ओम प्रकाश को चेहरा नहीं भी बनाती तो 2019 की, 19 के चुनाव की तरह राजभर समाज बीजेपी को वोट करता। अब अच्छा, देखिए, 2019 में चुनाव हुआ, 2019 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं थे। यदि राजभर समाज उनके साथ होता तो हर सीटों पर उनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हुआ। घोसी का उपचुनाव में उनका प्रत्याशी 9,000 समथिंग वोट पाया था। लोकसभा के चुनाव में उनके समधी, जिनके लिए, जो जिस घोसी विधान लोकसभा के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ा, उस सीट पर उनका प्रत्याशी, पांच जो विधानसभा को मिलकर के एक लोकसभा बनता है, मात्र 32,000 कुछ वोट पाया। तो हम कैसे मान लें कि राजभर समाज उनके साथ है। कभी चुनाव, देखिए, लोगों की परख तब होती है जब चुनाव में आदमी उतरता है, रैली दिखा करके, भीड़ दिखा करके, जिसके पास भी साधन संसाधन हो वो तो दिखा सकता है। लेकिन आप लोग, आपके, मैं चैनलों के माध्यम से सुनता हूं कि राजभर समाज ओम प्रकाश के साथ है, ओम प्रकाश के साथ है। कोई एक उदाहरण दे दीजिए कि जो ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई किसी भी सीट पर समाज जी उनके मऊ साथ। वाली रैली क्या थी? रैली और वोट दोनों, देखिए, मऊ वाली जो रैली थी वो तीन लोगों की वो रैली थी, ओम प्रकाश राजभर की रैली नहीं थी। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री कह लीजिए, उनके सम्मान का वो रैली था। और ये आपके मऊ के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी जी, उनके लोग लगे हुए थे और अच्छा, राजभर समाज के भी लोग उनके साथ थे। लेकिन वो लोग, वह वोट, युवा भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हुआ है तो बताइए हमको कहाँ कन्वर्ट हुआ है। लोग 2019 में अकेले चुनाव लड़े, उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। जिस सीट के लिए वो लड़े उनके सीट की 30,000, 31,000 समथिंग थी। तो कैसे मान लेगी राजभर समाज उनके साथ। अच्छा ठीक है। ये बताइए एक चीज़ और है, ओम प्रकाश राजभर तो ये बात कह रहे हैं कि वो हनुमान बन के अखिलेश को राम की तरीके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 22 में बना देंगे। आप इस बात से कितना सहमत हैं और इस बात का क्या जवाब आप देना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर शुरू से समाज को गुमराह करने का काम किए। अच्छा, उस रैली में आपको याद होगा कि वो कहे थे कि भाजपा के 150 विधायक हमारे साथ हैं। लोगों ने, आप जैसे लोगों ने प्रश्न किया कि कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि 27 तारीख को सब पता चल जाएगा। क्या आपने किसी विधायक को देखा? उन्होंने कहा था कि इस रैली में तीन हेलीकॉप्टर आएगा। लोगों ने, आप जैसे लोगों ने पूछा कि तीसरा हेलीकॉप्टर में कौन आएगा? उनका कहना था कि 27 तारीख को आप आइए, खुद भी देख ले। क्या तीसरा हेलीकॉप्टर आपने देखा? तो देखिए कितना वो सत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता। अच्छा, तो ये तो कह रहे थे कि मैंने पार्टी इसीलिए छोड़ दी थी, अपना पद इसीलिए त्याग दिया था क्योंकि ओबीसी के
जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई काम सरकार नहीं करना चाह रही थी, मेरे बार बार प्रस्ताव देने के बाद भी कुछ वो लोग सांस नहीं ले रहे थे, जो छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति तक पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए थे ओबीसी छात्रों के, तो इस तरह की बातें तो उन्होंने कही थी अपने समाज के लिए पद त्यागते वक्त। उनको सीट छोड़ने के बाद 2019 का चुनाव हुआ है, यदि वो समाज के लिए छोड़े होते, समाज उनके साथ होता, तो उनके प्रत्याशियों का 2019 में जमना जब्त नहीं हुआ होता। ये तो कहने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं, वो भी कुछ कह सकते हैं। आपके चैनल से कभी अब आधा घंटा पहले देखते थे तो वैसे हमारे साथ है, फिर दूसरे आधे घंटे के बाद कोई चैनल उनका इंटरव्यू लेता है तो नहीं, वो वैसे हमारे साथ नहीं है। तो ये झूठ बोलना उनकी आदत है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करना उनकी आदत है, लेकिन अब